अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मुना राजपूत। और वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो वीडियो किस से रिलेटेड है। तो आज हम आइस क्यूब तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कॉफ़ी पाउडर और फिर हम लेंगे ऑरेंज पील पाउडर और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हनी और रोज़ वाटर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे हाफ कप। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 टीस्पून हम लेंगे कॉफ़ी पाउडर, इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून हम इसमें ऑरेंज पील पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हनी। इसके बाद हम हाफ कप जो है ना रोज़ वाटर सारा इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा इसको थिक सा पेस्ट बना के। तो एंड में सारा हमने इसमें शामिल कर देना है। एक गिलास हम फिल्टर वाटर लेंगे और ये जो पेस्ट बनाया है सारा इसमें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आइस क्यूब को आपने रात के टाइम लगाना है, लगा के आपने छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के लिए और फिर मसाज करना सर्कुलर मोशन में आहिस्ता आहिस्ता और फिर उसको वॉश कर लेना। इस सारे लिक्विड को अब हम आइस क्यूब ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको आइस क्यूब जो है ना सेट होने के लिए रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कॉफ़ी की। पफी आइस को कम करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसमें ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को टाइट करता है, सन रेज से प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन को ब्राइट और स्मूथ बनाता है। जब हम आइस क्यूब अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है और इफ़ेक्टिवली जो आपके स्किन के टिश्यू में स्वेलिंग हुई होती है उसको कम करता है, आपके जो लार्ज ओपन पोर्स होते हैं उसको श्रिंक करता है। इसके बाद बात करते हैं ऑरेंज पील पाउडर की। ये पाउडर आपकी जो डल स्किन है उसको ब्राइट करता है, आपकी जो स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स होती है उसको कम करता है, टैन को रिमूव करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एक नेचुरली ब्लीचिंग एजेंट है और ये आपके डार्क स्पॉट्स को लाइट कर देता है, आपकी स्किन पे ग्लो ले आता है और जो अनइवन स्किन टोन होती है आपकी उसको ठीक करता है। इसके बाद बारी आती है जी हनी की। ये एक नेचुरल जो है ना इंग्रेडिएंट है, ये आपके डेड स्किन सेल्स को ख़त्म करता है, आपकी स्किन पे एक इंस्टेंट ग्लो आ जाती है, जो पफिनेस आपकी आईज़ के इर्द गिर्द होती है उसको कम करता है, जो प्री मैच्योर एजिंग साइंस होते हैं उसको जो है ना कम करता है। इसके बाद बारी आती है जी रोज़ वाटर की। रोज़ वाटर को तो आप एज अ स्किन टोनर भी यूज़ कर सकते हैं और ये आपकी जो स्किन पे ऑयली स्किन होती है उसको कंट्रोल करता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। आइस क्यूब आपने वीक में 2 बार और 1 मिनट से ज़्यादा इसको अप्लाई नहीं करना और सर्कुलर मोशन में इसको रब करना है। अगली वीडियो तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।